अपना जीवन देकर सबका जीवन खरीदने वाले अपने कर्तव्य को ही जीवन की सार्थकता और गहन उत्तरदायित्व समझने वाले अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने लक्ष्य से बांधने वाले समाज में अनुशासन की भावना भरने के लिए स्वयं को आत्मानुशासन में बांधने वाले कर्म को ही जीवन व अकर्मण्यता को मृत्यु मानने वाले जीवन की ठोकरों और परीक्षा को अपना सौभाग्य मानने वाले समाज के लिए जीवन गौरव व सम्मान जुटाने के लिए अपने अनोखे साधना कुटुंब श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना करने वाले पूज्य तन सिंह जी हमारे प्रणेता हैं। इनका जन्म 25 जनवरी 1924 तदनुसार माघ कृष्णा चतुर्थी संवत 1980 को अपने ननिहाल बैरसियाला जैसलमेर में हुआ। आपके पिता बाड़मेर के रामदेरिया गांव के ठाकुर बलवंत सिंह महेचा एवं ममतामयी माता श्रीमती मोती कंवर जी सोढ़ा थी। आपके जन्म के लगभग 4 वर्ष बाद ही कार्तिक सुदी एकम संवत 1984 को आपके पिताजी का देहावसान हो गया एवं शिशु तनेराज बचपन का नाम मात्र 90 रूप वार्षिक आय का ठाकुर बन गया। ममतामयी माता जी ने कष्ट उठाकर शिशु का लालन पालन किया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक तन सिंह को अकेला बाड़मेर छोड़ा एवं स्वयं गाँव में खेती करवाने के लिए रही। छठी कक्षा तक बाड़मेर पढ़ने के बाद 1938 ई में मात्र 14 वर्ष की आयु में माताजी ने अपने एकमात्र पुत्र को एक अनजान शहर में पढ़ने भेजा और पूज्य तन सिंह जी ने जोधपुर स्थित चौपासनी विद्यालय में प्रवेश लिया। मैट्रिक तक की पढ़ाई चौपासनी में की और 1942 ई में अपने घर से लगभग 600 किलोमीटर दूर झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में स्थित बिरला कॉलेज में अध्ययन हेतु गए। यहाँ से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर 1946 ई में नागपुर गए और वहाँ से वकालत की पढ़ाई पूर्ण की। बाड़मेर आकर वकालत प्रारंभ की एवं 1949 में बाड़मेर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 1952 के आम चुनावों में मात्र 28 वर्ष की आयु में बाड़मेर से राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए विधायक चुने गए। उस विधानसभा में कुछ समय के लिए संयुक्त विपक्ष के नेता भी रहे। 1957 में पुनः विधायक चुने गए। 1962 में बाड़मेर जैसलमेर जैसे संसार के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र से मात्र 9,000 रूपए खर्च कर सांसद निर्वाचित हुए। 1967 का चुनाव हार गए तब स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया एवं साथ ही अपने अनेक साथियों को रोजगार उपलब्ध करवाया। 1977 में पुनः सांसद चुने गए एवं 1979 की 7 दिसंबर को आपकी लौकिक देह का देहावसान हो गया। यह पूज्य तन सिंह जी का सामान्य परिचय है, लेकिन उनका वास्तविक परिचय किन कर्तव्य विमूढ़ क्षत्रिय समाज को उसका नैसर्गिक मार्ग प्रदान करने का कार्य है। पूज्य तन सिंह जी चौपासनी में अध्ययनरत रहते हुए ही समाज की दशा और दिशा को लेकर संवेदनशील बने एवं अपनी तरह सोचने वाले साथियों से संपर्क बढ़ाना प्रारंभ किया। 1942 में पिलानी जाने के बाद उनके इस कार्य ने गति पकड़ी एवं 1944 की दीपावली की रात उन्होंने श्री क्षत्रिय युवक संघ नामक संगठन की नींव रखी, जो उत्साही युवकों के समाज चिंतन का एक मंच था। इसमें सदस्य बनाए जाते थे, अधिवेशन होते थे एवं समाज की दशा व दिशा पर मंथन होता था। इसका प्रथम अधिवेशन मई के 5 से 6, 1945 जोधपुर में व द्वितीय अधिवेशन 11 व 12 मई 1946 कालीफाड़ी झुंझुनू में हुआ, किंतु पूज्य श्री तन सिंह जी का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हेतु उन्हें इस प्रकार की प्रणाली से पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। 1946 ई में नागपुर जाने पर भी पूज्य श्री अन्य संस्थाओं के संपर्क में रहकर अपने उद्देश्य के अनुरूप उपयुक्त प्रणाली हेतु चिंतन करते रहे। इस दौरान उन्होंने नित्य निरंतर और नियमित अभ्यास की एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार की और जयपुर लौटकर 21 दिसंबर 1946 की रात्रि अपने उस समय के सहयोगियों से संवाद कर 22 दिसंबर 1946 को 1944 में स्थापित संघ के स्थान पर नवीन कार्य प्रणाली के साथ वर्तमान में चल रहे श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 1946 तक जयपुर में ही प्रथम प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रकार पूज्य श्री ने क्षत्रिय जाति के स्वाभाविक गुणों को जागृत कर उन्हें सृष्टि का उपयोगी अंग बनाकर विश्वात्मा के दृष्टिकोण से संचालित करने
का नूतन मार्ग प्रतिष्ठापित किया। पूज्य तनसिंह जी इसके प्रथम संचालक निर्वाचित हुए। 1949 में आप पुनः संघ प्रमुख निर्वाचित हुए। 1954 में स्वयं निर्वाचन प्रक्रिया से अलग रहकर अपने निकटतम सहयोगी श्री आयुवान सिंह हुडील को संघ प्रमुख बनवाया। 1959 में भी आपने ऐसा ही किया। आयुवान सिंह जी द्वारा पूर्णकालिक राजनीति में जाने के लिए त्यागपत्र देने के बाद आप पुनः संघ प्रमुख चुने गए एवं 1969 तक संघ प्रमुख रहे। 1969 में आपने नवीन नेतृत्व को उभारते हुए अपने श्रेष्ठतम अनुयायी श्री नारायण सिंह जी रेड़ा को संघ प्रमुख बनाया एवं आगामी 10 वर्ष तक संघ के नए नेतृत्व को संरक्षक की भांति सींचा। आपने अपने जीवन काल में संघ के 192 शिविर किए। 23 दिसंबर 1978 से 1 जनवरी 1979 तक रतनगढ़ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आपका अंतिम शिविर था। पूज्य श्री ने 1949 में चौपासनी विद्यालय के अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। 1948 में ही गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध के विरुद्ध हुए आंदोलन में भी आप शामिल हुए एवं स्वैच्छिक गिरफ्तारी दी। सरकार द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर बनाए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विरुद्ध उस समय के संघ प्रमुख आयुवान सिंह जी के निर्देश पर 1955 से 56 में हुए दोनों भूस्वामी आंदोलनों में आपने नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति के रूप में भाग लिया एवं जेल गए। अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री पर नेहरू के साथ हुई समझौता वार्ता में समाज का पक्ष रखा। पूज्य श्री ने अपने अनुगामियों के लिए अनूठा साहित्य भी रचा। आपकी 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो आज पथ प्रेरक के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा आपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सैकड़ों लेख लिखे। स्वयं ने प्रारंभ से ही अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित की। आपके द्वारा स्थापित पत्रिका संघ शक्ति अनवरत रूप से प्रकाशित हो रही है। इसके अलावा आपने अपने अनुगामियों को हजारों पत्र लिखे, जिनमें से अनेक आज भी धरोहर के रूप में संरक्षित हैं। पूज्य श्री का वास्तविक परिचय उनका मानस पुत्र श्री क्षत्रिय युवक संघ है, जिसे अनुभूति से ही समझा जा सकता है। ऐसी ही और धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।